सभी पूछेंगे आज यस रोल आना हुआ है रोल रोल इंद्रजीत सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के नेताओं में गिनती होती थी थोड़ा मोबाइल पीछे भेजिए जिन नेताओं ने समाजवादी पार्टी के गठन में पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठावान होकर के संघर्ष के साथ साथ जमीन पर कैसे समाजवादी विचारधारा से लोग जुड़े उस पीढ़ी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया नेताजी के साथ रह कर के उन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। इंद्रजीत सिंह यादव जी पूरे जीवन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए लोगों को लगातार प्रेरित करते रहे। मुझे याद है जब मैं पिछली बार आपके जिले में आया था उस समय भी इंद्रजीत यादव जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनसे मिल करके गया था। उन्होंने हमेशा समाजवादियों को और संघर्ष को आशीर्वाद देते रहे। समाजवादी पार्टी का कार्यालय का काम हो, लोगों की मदद हो, सुख दुख में जाना हो, और मुझे तो याद है कि सबसे पहली रथ यात्रा जब मैं लेकर के आया था आप ही ने यात्रा का कार्यक्रम और किस जगह किस स्थान पर रुकना है उन तमाम कार्यक्रमों को कराया। आज वो हमारे बीच नहीं है, समाजवादी नेता खोया हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने परिवार और उनके तमाम सहयोगी साथी ऐसे हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाते रहे। अखिलेश जी, मणिपुर में जो घटना हुई है, कल प्रधानमंत्री ने कहा बहुत दुखद घटना है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 77 दिन तक उनके शब्द नहीं निकले, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाए, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ, कई लोगों ने जान दे दी, जान खो गई और न जाने कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा, नुकसान हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें आई कि एक महिला को जिस तरीके से घुमाया गया और एक नहीं दो दो महिलाएं थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये घटना कोई एक अकेली घटना नहीं, ऐसी और घटनाएं हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा हमारे संस्कृति पर थप्पा लगने की बात कोई नहीं हो सकती जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर इस बात को देख रहे हो। जो मणिपुर में हुआ है ये इतने दिनों के बाद तस्वीर आई, जो संस्थाएं थी आईबी वो क्या रिपोर्ट दे रही थी, इनके पास बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी समय समय पर देती हैं, वो संस्थाएं क्या कर रही हैं? जब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लगाएंगे आप तो वो सच्ची घटनाओं के बारे में क्यों जानकारी देंगे? ये बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेता दोषी हैं। वहां पर जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है कार्रवाई हो, और आपके माध्यम से यही अपील होगी मणिपुर की जनता से कि झगड़ा, हिंसा, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने से